सो गाइस, इस साल यानी 2020 में हमें 10,000 के अंदर काफ़ी बेहतर बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिला इंडिया में। और खास करके जो रेडमी का फ़ोन आया 10,000 के अंदर, उसमें हमें ज़्यादा रैम और ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज देखने को मिला, जैसे कि रेडमी 9 प्राइम, रेडमी 9, रेडमी 9A और रेडमी 9C जो कि इंडिया पे लॉन्च नहीं हुआ था, वो बाहर का कंट्री में लॉन्च हुआ था। यानी रेडमी 9 सीरीज का 4 स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है और एक नया स्मार्टफोन रेडमी 9 सीरीज का लॉन्च करने जा रहा है, जिसका लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म हो गया है और इस फोन का नाम रखा है रेडमी 9i। जी हाँ, रेडमी की तरफ से ये नया नाम है। इससे पहले रेडमी 8i नहीं आया था, लेकिन रेडमी 9i ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है इंडिया पे, और खास करके इस बार जो है अमेजोन पे नहीं, फ्लिपकार्ट में लॉन्च करने जा रहा है। चलिए आज इस वीडियो में रेडमी 9i का फुल फीचर्स, लुक, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ इस फोन में आपको मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा है उसको भी दबा दीजिए। दोस्तों, इंडिया पे जब रेडमी का 8 सीरीज आया था तो उसमें हमें रैम और इंटरनल स्टोरेज जो है बहुत कम देखने को मिला था, 2GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिला था। लेकिन रेडमी का 9 सीरीज जब इंडिया पे आया तो रैम और इंटरनल स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा करके हमें देखने को मिला। रेडमी 9 प्राइम में हमें 4GB का रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला भी वेरिएंट देखने को मिलता है। रेडमी 9 भी लॉन्च हुआ इंडिया पे 4GB रैम के साथ। अब रेडमी 9A भी लॉन्च हुआ है, लेकिन रेडमी 9i में भी आपको बहुत ज़्यादा रैम और इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि रेडमी 9i में आपको 4GB का रैम देखने को मिलेगा, मतलब एंट्री लेवल में 10,000 के अंदर आपको 4GB रैम वाला और एक रेडमी का फोन इंडिया पे देखने को मिलेगा। तो यार, रेडमी 9i जो है इस बार अमेजोन पे नहीं, इस बार फ्लिपकार्ट में लॉन्च होने जा रहा है। ऑफिशियली इसका टीजर पोस्टर या फिर पेज आप कह सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग कर दिया है, और mi.com में भी अगर आप चेक करेंगे तो उस जगह पे भी एक पेज लिस्टिंग कर दिया है। और रेडमी की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट करके भी बताया गया है कि ये जो फोन है रेडमी 9i ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च होने जा रहा है। ऑफिशियली लॉन्च डेट रखा है 15 सितंबर दोपहर के 12 बजे ये फोन इंडिया पे लॉन्च कर दिया जाएगा। अब ये फोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा और क्या क्या फीचर्स के साथ लॉन्च होगा, ये भी कुछ मेंशन कर दिया है। कुछ फीचर्स उस जगह पे, मतलब फ्लिपकार्ट का जो पेज है उस जगह पे मेंशन कर दिया है। सबसे पहली बात, इसमें तो आपको 4GB का बहुत बड़ा रैम देखने को मिलेगा। इससे पहले रेडमी का 8 सीरीज में आपको जो है रैम और इंटरनल स्टोरेज में कंजूसी देखने को मिला था, लेकिन इस बार रेडमी का 9 सीरीज में रैम और इंटरनल स्टोरेज में कंजूसी देखने को नहीं मिल रहा है। रेडमी 9i में आपको सबसे पहले तो 4GB का रैम, और उससे बाद अगर आप बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज का, तो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन उस जगह पर पोस्टर जो लगाया है उसमें बिग स्टोरेज की बात किया गया है, यानी 32GB या फिर 64GB का आपको इंटरनल स्टोरेज इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें इस मोबाइल का डिस्प्ले का, तो वाटर ड्रॉप नोच के साथ डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा इस मोबाइल में, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और इस मोबाइल का डिस्प्ले का साइज की बात करें तो ये जो रहेगा 6.5 इंच के आसपास एक HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले रहेगा, मतलब 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन इस डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा। साथ में गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन आपको रेडमी की तरफ से दिया जाएगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी ठीक ठाक रहेगा इस मोबाइल में। और अगर बात करते हैं इस मोबाइल का कैमरा का, तो आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ इस मोबाइल में कैमरा मिलेगा, और ऑफिशियल जो पेज बनाया है उसमें आपको बिग फोटोग्राफी करके एक मतलब फीचर्स बताया गया है, मतलब कैमरा क्वालिटी भी कुछ हद तक अच्छा ही मिलेगा इस मोबाइल में। बाकी सेल्फी की बात करें तो मेरे हिसाब से 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, मैं अपना हिसाब से ये बताया आपको। बाकी इस मोबाइल में बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, और फ्लिपकार्ट का जो पेज है उसमें आपको जो है बिग बैटरी का जो मेंशन किया गया है, उससे यही पता चलता है कि 5000 mAh का बैटरी इस मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा और माइक्रो USB का सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा भी मोबाइल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, जो कि है चिपसेट यानी प्रोसेसर, तो इस मोबाइल में मेरे हिसाब से आपको मीडियाटेक का हीलियो G25 का चिपसेट देखने को मिलेगा। इससे पहले रेडमी का मोबाइल में ये चिपसेट यूज किया गया है, और मेरे हिसाब से इस मोबाइल में भी यही चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। फ्लिपकार्ट का पेज में आपको जो है एक गेमिंग वाला फीचर्स देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यही चिपसेट आपको इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो बाकी सारे फीचर्स जो है ऑफिशियली निकल के नहीं आया है फिलहाल, अभी जो है इसमें वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले और आपको 4GB का रैम देखने को मिलेगा, ये जो है कंफर्म हो चुका है। और 15 सितंबर ये जो मोबाइल है फ्लिपकार्ट में लॉन्च होने जा रहा है इंडिया पे, तो भाई कैसा होगा ये मोबाइल लॉन्च होने के बाद ही हमें पता चलेगा। बाकी कुछ फीचर्स मैं आपको बताया मेरा हिसाब से, और सारे फीचर्स ऑफिशियली निकल के नहीं आया है। जब इंडिया पे लॉन्च होगा तो चैनल पे और एक वीडियो जरूर आ जाएगा। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल का घंटा है उसको जरूर दबा दीजिए। और रेडमी 9i के बारे में आपका कुछ भी ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।